फिल्मी स्टाइल में लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे दो बाइक पर सवार चार अपराधियों के गिरोह के तीन सदस्यों को पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। ये घटना आसनसोल की है। लूट की घटना के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया और सीसीटीवी फुटेज पर ध्यान दिया गया। दुर्गापुर पुलिस के जामुरिया थाना श्रीपुर फाड़ी की पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। घटना के संबंध में पता चला है कि अंडाल थाने के बनबहाल क्षेत्र में मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे रानीगंज के एक व्यवसायी से लूट की घटना हुई है। जैसे ही ये खबर अंडाल थाने के पुलिस में पहुंची, सभी थानों को हाई अलर्ट कर दिया गया। जामुरिया थाने के श्रीपुर चौकी क्षेत्र में भी खबर फैली। मामला श्रीपुर चौकी के आईसी शेख रियाजुद्दीन तक पहुंचा तो उन्होंने विशेष रूप से चौकी के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा और दोनों बाइक सवारों की रहस्यमयी हरकतों पर गौर किया गया और उनकी तस्वीरें जुटाकर सफलता हासिल की। मिली जानकारी के अनुसार लुटेरों ने एरोड्रम के पास बाइक छोड़ दी और भागने लगे। बाद में पुलिस ने पीछा कर तीनों आरोपियों को मौके से ही दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में जामुरिया के बोरिंगडंगा निवासी 30 वर्षीय गणेश बादकर, 33 वर्षीय नासिर साहा और जामुरिया के चुरुलिया निवासी 19 वर्षीय शेख सोहेल के रूप में हुई है। हालांकि पुलिस ने जांच के मामले का खुलासा नहीं किया। अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों के कारण आसनसोल दुर्गापुर पुलिस इलाके में अपराध नियंत्रण में सुधार हुआ है। प्रशासन सूत्रों के अनुसार भविष्य में अपराध नियंत्रण के लिए इस सीसीटीवी कैमरे को और बढ़ाया जाएगा। फिल्म स्टाइल में लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे दो बाइक पर सवार चार अपराधियों के गिरोह के तीन सदस्यों को पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। ये घटना आसनसोल की है। लूट की घटना के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया और सीसीटीवी फुटेज पर ध्यान दिया गया। दुर्गापुर पुलिस के जामुरिया थाना श्रीपुर फाड़ी की पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। घटना के संबंध में पता चला है कि अंडाल थाने के बनबहाल क्षेत्र में मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे रानीगंज के एक व्यवसायी से लूट की घटना हुई है। जैसे ही ये खबर अंडाल थाने के पुलिस में पहुंची, सभी थानों को हाई अलर्ट कर दिया गया। जामुरिया थाने के श्रीपुर चौकी क्षेत्र में भी खबर फैली। मामला श्रीपुर चौकी के आईसी शेख रियाजुद्दीन तक पहुंचा तो उन्होंने विशेष रूप से चौकी के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा और दोनों बाइक सवारों की रहस्यमयी हरकतों पर गौर किया गया और उनकी तस्वीरें जुटाकर सफलता हासिल की। मिली जानकारी के अनुसार लुटेरों ने एरोड्रम के पास बाइक छोड़ दी और भागने लगे। बाद में पुलिस ने पीछा कर तीनों आरोपियों को मौके से ही दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में जामुरिया के बोरिंगडंगा निवासी 30 वर्षीय गणेश बादकर, 33 वर्षीय नासिर साहा और जामुरिया के चुरुलिया निवासी 19 वर्षीय शेख सोहेल के रूप में हुई है। हालांकि पुलिस ने जांच के मामले का खुलासा नहीं किया। अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों के कारण आसनसोल दुर्गापुर पुलिस इलाके में अपराध नियंत्रण में सुधार हुआ है। प्रशासन सूत्रों के अनुसार भविष्य में अपराध नियंत्रण के लिए इस सीसीटीवी कैमरे को और बढ़ाया जाएगा।